16 साल की उम्र में ही अपनी बॉलिंग का सबको दीवाना बनाया, यानी कि पाकिस्तान टीम में एक और नसीम सा आया। जैसा कि पाकिस्तान टीम में हमेशा से ही फास्ट बॉलिंग का दबदबा रहा है और पाकिस्तान टीम में हमेशा से ही फास्ट बॉलर आते रहे हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान जैसा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहा है, तो इसी बीच पाकिस्तान का यानी कि नसीम शाह का भाई उबैद शाह बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उबैद शाह की बात करें तो उबैद शाह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 ओवर में 45 रन देके 3 विकेट चटकाए हैं। और इसी बीच बात करें अंडर 19 वर्ल्ड कप में उबैद शाह ने सिर्फ 4 मैच खेल के 12 विकेट चटका चुके हैं। उबैद शाह के इतने बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 विकेट से जीत दर्ज की, जिसमें उन्होंने शामी हुसैन ने 66 बॉल पर 54 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 छक्का और 6 चौका भी लगाए। वहीं शाहजेब खान ने 86 बॉल पर 80 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 छक्का और 10 चौका भी लगाए। लेकिन इसी के साथ बात करें उबैद शाह की, तो उबैद शाह नसीम शाह के साथ ही PSL में भी बॉलिंग करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि दोनों एक ही टीम में खेलने वाले हैं। और इसी के साथ उबैद शाह की अगर अच्छी प्रदर्शन नजर आई तो उबैद शाह T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी नसीम शाह के साथ एंट्री कर सकते हैं। तो नसीम शाह के भाई उबैद शाह के इतने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और पाकिस्तान के ये स्टार के लिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।